दो घंटे के ऊपर नहीं। हेलो, हाँ इब्राहिम, क्या हुआ बेटा? आज एनिवर्सरी है मम्मा की, मानी पापा के साथ जरा वो निकली नहीं है बाहर, जरा आज तो छोड़ दो मुझे मानी पापा के साथ। अच्छा अच्छा, रो नहीं, आ रही हूँ। ओके आ रही हूँ, बस दो मिनट। अबे यार ये बच्चे नहीं छोड़ते जान यार, मानी कोई टाइम नहीं है हमारा, तुम्हारा गुजरता साल में। केक लेके आया हूँ, कब काटेंगे पता नहीं, काट लेंगे। चलो फाइनली 16 साल से एक दूसरे को हम जानते हैं। और हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि न जाने ऐसा क्या हो गया है कि फिर से हीरामानी एक बार लोगों की तनकीद की जद में आ गई हैं। हीरामानी के बारे में लोग न जाने क्या कुछ कह रहे हैं, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हीरामानी के बारे में बात की जाए तो वो पहले ऐसी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती थी, जिसकी वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाए। जैसे जैसे वो हिट होती जा रही हैं, वैसे वैसे वो बोल्ड ड्रेसिंग करती जा रही हैं। तमाम तर लोगों का कहना है कि हीरामानी भी उन बाकी एक्ट्रेसेस में शामिल होती जा रही हैं, जिनको ड्रेसिंग करने का ढंग नहीं है। हीरामानी हाल ही में एक स्कूल फंक्शन पे गई हुई थी, जिसको देख कर तमाम तर लोगों ने इनकी पिक्चर्स को काफी ज्यादा पसंद किया। इसी के साथ साथ तमाम तर लोगों का कहना था कि स्कूल फंक्शन पे गई हुई है या वार्ड फंक्शन में। कई लोग हीरामानी पे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है की हीरामानी बच्चों को ये पैगाम देने के लिए गई हुई हैं कि आप ही बड़े होकर मेरी जैसी ही ड्रेसिंग करना, ऐसी ड्रेसिंग करने में कोई हर्ज नहीं। उनका कहना है कि हम बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चे हमें काफी ज्यादा अपनी इंस्पिरेशन बना लेते हैं, उनका यही होता है कि जब वो बड़े होंगे तो वो आपके जैसे ही बनेंगे। तमाम तर लोगों का यही कहना है कि अब हीरामानी को लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि वो हीरामानी किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हैं। लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इस वजह से हीरामानी इतनी ज्यादा रिलैक्स हैं क्योंकि उनको इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आवाम उन्हें क्या कुछ कह रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने हस्बैंड मानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर मानी की बात की जाए तो वो काफी डिसेंट ड्रेसिंग करके बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ अगर हीरामानी को देखा जाए तो उन्होंने काफी बोल्ड ड्रेसिंग कर रखी है। तो दोस्तों आप सब हमें जरूर बताइएगा कि बच्चों को स्कूल में हीरामानी को ऐसा लिबास पहनना चाहिए था या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।